हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती इस कॉलेज के डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के कट ऑफ के बारे में। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो आपको इस कॉलेज के जो कट ऑफ है उसके बारे में पता रहना जरूरी है, ताकि आप जब भी आपके फॉर्म भरे तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही पता रहे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना, ताकि आपको इस कॉलेज की सारी ब्रांचेस का जो कट ऑफ है वो अच्छे तरीके से पता चल जाए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि 10 सीट्स यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें कि 9 सीट्स महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए और एक जो थी वो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग कट ऑफ है वो आपको 95.16 देखने के लिए मिलता है, एंडिंग में आपको 80 आते आते 80.84 को जो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो क्लोज हुई थी। जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ओपन और ओबीसी में आते हो, अगर आप ओपन और ओबीसी में आते हो तो आपको 90 से 95 के बीच में जो स्कोर है वो अपना रखना पड़ेगा, 90 से 95 के बीच में। अगर आप SC ST VJNT में आते हो तो आपको कम परसेंटेज भी ये जो ब्रांच है वो आराम से मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 92.42 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये थे कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के लिए। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम बढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, जो कि मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है हर कॉलेज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ आपको स्टार्टिंग का देखने के लिए मिल जाता है 95.95 से लेकर के 74 तक। इस कॉलेज में जो 74 तक जो लास्ट है वो कट ऑफ है वो गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 74 तक। अगर आप SC कैटेगरी में आते हो, SC या ST कैटेगरी में आते हो, तो आपको कम परसेंटेज पे भी ये जो ब्रांच है इस कॉलेज में आराम से मिल जाती है। वो बाय लक कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप ओपन ओबीसी में आते हो तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा जो स्कोर है वो करना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस का हम कट ऑफ देख लेते हैं, तो 93.32 पर जो ईडब्ल्यूएस की सीट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये तो रहे आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कट ऑफ। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। इसका भी जो स्टार्टिंग कट ऑफ है वो 93.74 से लेकर के 79.20 आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि ओपन और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। SC ST का जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ा जो कम देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपके 85 तक की भी परसेंटेज है तो आपको ये जो ब्रांच है वो इस कॉलेज में आराम से मिल सकती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 92 से शुरू हुआ था, 90 पर ही क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो डिफरेंस है वो हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब इतना भी डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। 90 अगर 90 से 95 के बीच में भी आपके परसेंट है डिप्लोमा में, तो आपको ईडब्ल्यूएस के थ्रू इस कॉलेज में IT ब्रांच जो है वो आराम से मिल सकती है। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि आपका स्टार्टिंग कट ऑफ आप देख सकते हैं 95.58 से लेकर के लास्ट का जो सीट थी वो 79.39 पर ये जो ब्रांच है वो क्लोज हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम, अगर आप ओपन और ओबीसी में आते हो तो आपको ज्यादा परसेंटेज लगेंगे, अगर आप SC ST VJNT में आते हो तो आपको थोड़ा जो कम परसेंटेज पे भी ये जो कॉलेज है वो आराम से मिल सकता है। आपको ही ध्यान में रखना है कि अगर आप वो कौन सा कॉलेज चाहिए उस हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से आप इस कॉलेज को भी डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 92 से शुरू हुआ, 91 पर खत्म हो गया। तो काफी ज्यादा जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस को आपको देखने के लिए मिल जाता है इस ब्रांच के लिए। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें की जो टोटल सीट्स थी वो 10 सीट्स थी। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए जो सीट्स थी वो 7 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 3 जो सीट्स है वो देखने के लिए मिल जाती है। सेम, अगर आप ओपन और ओबीसी में आते हो तो आपको मैक्सिमम स्कोर जो है वो करना पड़ता है। SC ST के लिए कम परसेंटेज भी ये जो ब्रांच है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। ईडब्ल्यूएस का हम कट ऑफ देख लेते हैं, जो कि 88 से स्टार्ट हुआ था और 88 पर ही एंड हो गया था। तो अगर आपकी 88-87 के बीच में भी आपके परसेंटेज है डिप्लोमा में, तो आपको ये जो ब्रांच है वो आराम से मिल जाएगी। और ये जो कट ऑफ है वो आपको लास्ट ईयर के मैं बता रहा हूँ, इस साल के जो कट ऑफ है मे बी आपको थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिल जाए। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमारी वो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जिसमें कि टोटल सीट्स 9 थी। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए टोटल सीट्स 9 थी, ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स थी वो आपको 0 देखने के लिए मिल जाती है। सेम, अगर आप यहाँ पर आपको थोड़े बहुत जो कट ऑफ है वो कम देखने के लिए मिल जाते हैं, अगर आपकी 85 तक की भी परसेंटेज है तो आप इस ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें की जो टोटल सीट्स थी वो 22 थी और महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए जो सीट्स थी वो 18 थी और ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स थी वो 4 थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाता है। अगर आपके
85 से 90 के बीच में भी, 85 से 95 के बीच में भी आपके परसेंट आए डिप्लोमा में। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो इस ब्रांच की तरफ आप जा सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। इसमें आपको आराम से एडमिशन मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट जो सीट थी वो 77.79 पे क्लोज हुई थी, लड़का एससी, मगर कैंडिडेट जो था वो एसटी का था। आप ऊपर के जो कट ऑफ से वो रेफर कर सकते हो 87 के ऊपर वाले। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के जो कट ऑफ वो आपको थोड़े ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं, 90 से शुरू होकर 83.23 पर जो लास्ट सीट है वो अलॉट हुई थी स्टूडेंट को। तो ये थे इस कॉलेज के कट ऑफ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती के आपको जो कट ऑफ है वो इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर के। तो ये जो कट ऑफ है वो आपको हेल्प करेंगे, मतलब एक अंदाजा आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको मेनली कितना जो स्कोर है वो रिक्वायर्ड होता है, ताकि जब भी आप अपना फॉर्म भरो तो आपकी जो चॉइस है उसमें आपको आज ज्यादा जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। नेक्स्ट किस कॉलेज पे आपको कट ऑफ का वीडियो चाहिए आप कमेंट कर जरूर से बताना, उसका भी जो वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स कर जरूर से बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर से कर दूंगा।